हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दियों में मशरूम खाने का और मशरूम बनाने का दिल जरूर करता है। आज मैं आपके साथ काली मिर्च मलाई मशरूम की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मशरूम, जिसे मैंने वॉश करके हाफ अप पीसेस में कट कर लिया है। मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं, जिसे भी मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिए हैं, और मैंने 150 ml फ्रेश क्रीम लिया है। मसालों में मैंने लिया है काली मिर्च, तीन लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, एक छोटी इलायची, थोड़ी सी अदरक जिसे मैंने लंबी लंबी स्लाइसेस में काट लिया है, चार लहसुन की कलियां और तीन हरी मिर्च लिया है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, जिसमें मैं एक स्पून बटर डाल रही हूँ। आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फिर मैं लौंग, दालचीनी और छोटी इलायची, जिसके दाने मैंने निकाल लिए हैं, वो डाल रही हूँ। फिर इसमें काली मिर्च डाल देंगे और फिर लहसुन की कलियाँ भी डाल देंगे और फिर इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और इन सबको एक से दो मिनट भुनने के बाद इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज जब तक सॉफ्ट न हो जाए, इसे हम धीमी आँच पर भूनेंगे। प्याज जब हल्का सॉफ्ट हो जाए तो इसमें एक कप पानी और थोड़ा सा नमक डाल के इसे 5 मिनट्स के लिए ढक दें, ताकि प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। प्याज को ठंडा होने के बाद इसका हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाते वक्त हाफ फ्रेश क्रीम भी डाल देंगे और बाकी फ्रेश क्रीम हम बाद में इस्तेमाल करेंगे और एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। मशरूम जो हमने कट करके रखा था, उसे एक पैन में एक स्पून बटर डाल के उसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि मशरूम हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब हमने जो पेस्ट तैयार किया था उसे भूनेंगे। इसके लिए एक पैन में 2 स्पून ऑयल डाल दें, उसमें फिर तेज पत्ता और कटी हुई अदरक डाल दें, फिर इसमें पेस्ट डाल दें और अच्छी तरीके से इसे भूने। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेस्ट अब अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब इसमें ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, आप अपनी स्वाद अनुसार डालें। फिर इसमें मशरूम और बची हुई फ्रेश क्रीम डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 to 7 मिनट्स के बाद इसमें हम 1/4 स्पून गरम मसाला और पीसी हुई काली मिर्च डाल देंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर और पकाएंगे। लीजिए, हमारा काली मिर्च मलाई मशरूम तैयार है। धनिया पत्तों के साथ इसकी गार्निशिंग करें और इसे गर्मा गर्म फुलकों के साथ इसका इन सर्दियों में आनंद लें। ये बहुत ही कम मसालों और फटाफट बनने वाली सब्जी है। ये आपको जरूर पसंद आएगी, इसे ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।